आप सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में एक बात जो हमेशा से नोटिस की होगी वो है डायनेस्टी की, वंशवाद की। कांग्रेस पर आरोप लगते हैं, लेकिन आज इस रिपोर्ट में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने रखने जा रहा हूं जिससे आपके कंफ्यूजन थोड़े से दूर होंगे और क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। अगर 21वीं सदी में हुए लोकसभा चुनाव 2004, 2009 और 2014 की अगर बात की जाए तो ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हम लोगों के सामने आते हैं कि इस सदी में इन तीन चुनावों में एक चौथाई सांसद यानी कि MP ऐसे जीते हैं जिनका ताल्लुक किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से है, यानी कि 21वीं सदी में करीब 25% सांसदों की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी है। अब इनमें 16% भाजपा के कैंडिडेट हैं और 38% कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। 1611 सांसदों में से 390 लोग वो जीते हैं जिनका ताल्लुक किसी राजनीतिक परिवार से रहा है। अब इतना ही नहीं है कि सभी पार्टियों ने सीट बढ़ाने के लिए इन राजवंशियों डायनेस्टी को जम करके टिकट दिया है। अगर आप नजर डालेंगे इन फोटोज पर जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहे हैं, जिनके परिवार से कोई ना कोई सदस्य चुनावी राजनीति में सक्रिय रहा हो, भले ही उनमें संबंध माँ का हो, बहू का हो, चाचा का हो, दादा का हो, ताई का हो, दामाद का हो, जैसे रिश्ते क्यों ना हो, सभी राजनीति में आए हैं और अपना बिजनेस अच्छे से किया है। अगर दोनों हाउसेस में कांग्रेस और BJP का गणना की जाए कि वंशवाद से कितने कितने लोग हैं, तो 281 लोकसभा MP में से 38 BJP के हैं और राज्यसभा में 56 में से जो BJP के मेंबर्स हैं उसमें से 9 वंशवाद का टैग उन पर लागू होता है, पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं UPA 2 का अगर बात करें तो 211 में से 58 कांग्रेस के हैं और राज्यसभा में ये 9 लोग हैं, मतलब मुकाबला राज्यसभा में टाई है। अगर हम बात करें किस स्टेट से ज्यादा MP सांसद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से रहा है, अगर एक एक स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने यह लिस्ट को टॉप किया है। 71 BJP MPs में से 12 लोग ऐसे हैं और बिहार सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें से कि 22 सांसद में से 5 लोग ऐसे हैं, और महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है जिसमें कि 23 में से 4 BJP MP जो क्वालिफाई करते हैं डायनेस्ट टैग के लिए। बाकी आपके स्क्रीन पर नेहरू फैमिली से लेकर के मुलायम सिंह यादव के परिवार तक की कैसे कैसे इनका वंशवाद आगे चला है और कैसे कैसे राजनीति में ये लोग सक्रिय होते गए हैं, बहू बेटी बेटा भतीजा से लेकर के सब आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी इस खबर का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो कि भास्कर में अपडेट की गई थी, आप भी देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी से पहले यानी कि 4 नवंबर 2016 तक 17.97 लाख करोड़ रुपए की जो करेंसी थी वो सर्कुलेशन में थी। अब जो डाटा आज निकला है वो 19.44% की बढ़ोतरी के साथ ये राशि बढ़कर के 21.41 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। ये क्या दर्शाता है कि कैश फाइनेंशियल सिस्टम में वापस आ गया है। अब मैं बात करूं नवंबर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के जो पुराने नोटों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, जो लीगल टेंडर नहीं रहे थे, उसके बाद जनवरी 2017 में सर्कुलेशन जो करेंसी में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई थी। हालांकि इसके बाद से ही फाइनेंशियल सिस्टम में कैश लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार ने नोटबंदी के पीछे नकद राशि को कम करने, जाली नोटों को कम करने, काले धन को खत्म करने के लिए एक कारण बताया था। हालांकि RBI के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा समय में नकद राशि नोटबंदी से पहले की स्थिति से भी कई ज्यादा है। इस रिपोर्ट को भी आप पढ़ सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके खुद से भी चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों खबर का सिलसिला आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, इस वीडियो कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो मेरे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर महज $3 दे करके, यानी कि कुछ 200 रुपए दे करके, थोड़ी मदद आपकी बहुत मदद होगी ताकि कंटेंट को और सुधारा जाए, टीम को बिल्डअप किया जाए। जय हिंद।